नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष तिवारी आज पहली बार जा रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में। बागेश्वर में आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मंदिर है बागनाथ मंदिर, जो उत्तराखंड की सबसे पवित्र नदी कही जाने वाली सरयू नदी के तट पर स्थित है। बागनाथ मंदिर तीन नदियों के संगम पर स्थित है, जिसमें हैं सरयू नदी, गोमती नदी और अदृश्य रूप से यहाँ पर सरस्वती नदी भी बहती है। आप भी देख सकते हैं। बागनाथ मंदिर बागेश्वर जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। बागेश्वर जिले का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर पड़ा है। इस जगह को मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। बागनाथ मंदिर में भगवान शिव बाघ के रूप में रहते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रावण के पवित्र माह में बागनाथ मंदिर में भक्तों का तांता देखा जा सकता है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन और हर सोमवार को बागनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। बागनाथ मंदिर की नक्काशी अत्यंत प्रभावशाली है, बेहद ही खूबसूरत है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबा मार्कंडेय यहां शिवजी की पूजा किया करते थे, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने एक बाघ के रूप में ऋषि मार्कंडेय को दर्शन दिए थे और आशीर्वाद दिया था। कुछ स्रोत यह भी बताते हैं कि बागनाथ मंदिर 7वीं शताब्दी से ही अस्तित्व में आ गया था और वर्तमान नगरी शैली का निर्माण 450 में चंद शासक लक्ष्मी चंद ने करवाया था। दोस्तों, बागेश्वर नगरी बेहद ही खूबसूरत है, जिसके सामने से पिंडारी ग्लेशियर की बेहद आकर्षक छवि दिखती है और दोनों ओर से गोमती और सरयू नदी का संगम दिखता है, जो बेहद ही आकर्षक लगता है। आपको भी मौका लगे तो कभी आइए बागेश्वर जिले में और दीदार कीजिए बागनाथ मंदिर का। आज इसके बाद हम जा रहे हैं गोमती नदी के किनारे बसे बैजनाथ मंदिर की ओर, जो बेहद ही शानदार है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप और भी उत्तराखंड की खूबसूरत वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। बागनाथ मंदिर के बाद बैजनाथ मंदिर को सबसे पहले देख पाएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी अवश्य कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड। ओम नमः शिवाय।